प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 12 में, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, उसके बारे में डिटेल से स्टडी की थी कि किसी भी प्रकार की त्रिभुज हो, त्रिभुज कैसी भी हो, सभी पे ये जो हीरोन का सूत्र है वो लागू किया जा सकता है। इससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से ये जो फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्र निकालने का, कितना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि कितनी आसानी से हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, कोई यातायात संकेत बोर्ड है उस पर लिखा है कि आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी हमारे पास, एक संकेत बोर्ड है जो समबाहु त्रिभुज के आकार का, यानी कि तीनों भुजाएं हमारे पास बराबर है, जिसकी भुजा कितनी है, ए है। यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। थोड़ा नजदीक कर देते हैं, ए ए और ए, क्या है ये संकेत बोर्ड है। यानी कि इस तरह से कुछ हो सकता है, आगे स्कूल है, कुछ इस तरह का संकेत बोर्ड है, उसको ये लिखा हुआ है। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमें इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरी बात कही है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो काम इसमें हमें करने हैं, एक तो भुजा ए के लिए ज्ञात करना है और दूसरा हमारे पास किसके लिए ज्ञात करना है, जब परिमाप हमारे पास 180 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं हमारे पास, हम ये क्योंकि त्रिभुजाकार आकृति है तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि ए बी सी। अब आप देखेंगे, इसका हल देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दी हुई है ए। ए क्या है, सेंटीमीटर या मीटर हमें नहीं पता, तो ए मात्र। तो जो साइन बोर्ड है और यह है भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुजाकार संकेत यातायात संकेत बोर्ड की लंबाई। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड की लंबाई, की भुजा की लंबाई यह हमारे पास ए मात्र। मात्र का मतलब है वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, वो उसने बताया तो है नहीं कैसा है कितना बड़ा है, तो हमने मात्र की लिख दिया। अब आप देखें कि ये त्रिभुज है, अब हमारे पास हम क्या निकालते हैं, हम ए बी और सी निकालते हैं। तो ए तो हमारा ए ही है, बी का मान भी हमारा ए है और सी का मान भी हमारा ए है। तो एस क्या होगा हमारा, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में दो। तो क्या बनेगा, ए प्लस ए बटे में दो, यानी कि कितना हो गया, तीन ए बटे में दो, ये हमारे पास s का मान आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, s माइनस ए, ऐसा है हमारा तीन ए बटे में दो माइनस ए, इसके बटे में एक लगा लेते हैं, एलसीएम दो आ गया, तीन ए माइनस दो ए, तो ये रह गया a बटे में दो। इसी प्रकार s माइनस बी निकालेंगे तो s का मान तीन ए बटे में दो माइनस बी का मान भी तो ए ही है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी ए बटे में दो आ जाएगा,
और s माइनस सी निकालेंगे तो 3 a बटे में 2 माइनस ये भी यही है तो ये भी कितना आ गया a बटे में 2। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुजाकार या समबाहु त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गमूल s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहां पे s, s का मान है 3 a बटे में 2 गुना s माइनस ए, a बटे में 2, s माइनस बी a बटे में 2 और s माइनस सी a बटे में 2। अब आप देखो तीन को मैंने अलग किया ए बटे दो, तीन ए बटे दो ना, तीन इंटू ए बटे दो, ए बटे दो, ए बटे दो और ए बटे दो, इनसे एक ए बटे में दो बाहर आ गया और इन दोनों से एक और ए बटे में दो बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया वर्गमूल तीन। तो ए और ए से ए स्क्वायर बटे में चार, दो दूनी चार और साथ में वर्गमूल तीन। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल तीन बटे में चार ए स्क्वायर, वर्गमूल तीन बटे में चार ए स्क्वायर, साथ में लिख देंगे वर्ग मात्रक। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी नई बात नहीं आई है, तो ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जो बाकी का पार्ट बचा है उसको किस तरह से करेंगे। अब इसमें दूसरी बात जो कही गई है वो कहा गया है कि अगर इस संकेत बोर्ड का परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो फिर अक्षेत्रफल कितना होगा, तो फिर हमारे पास अक्षेत्रफल कितना होगा अगर इस संकेत बोर्ड का परिमाप, तो देखते हैं यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या लिखेंगे हम कि समबाहु त्रिभुजाकार, समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है हमारे पास 180 सेंटीमीटर। अब देखो समबाहु त्रिभुजाकार है लेकिन उसका परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या, परिमाप क्या होता है, परिभारिमाप यानी कि भुजाओं का जोड़, ए ए और ए कितना हो जाएगा तीन ए, ए प्लस ए तीन ए, यानी कि हमारे पास इसकी भुजा जब हमारे पास ए है तो ये किसके बराबर होगा तीन ए के, तीन ए बराबर है 180, तो ए बराबर है 180 बटे में तीन, तीन एक तीन, तीन छह के 18, तो ए का मान हमारे पास आ गया 60। अभी सेंटीमीटर है तो हम यहां पे भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसकी पड़ती है भुजा की लंबाई कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर है। अब ऐसे निकाल लेते हैं एस क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बटे में दो, तो फॉर्मूला लिख दिया लेकिन तीनों भुजाएं एक ही जैसी हैं, a प्लस ए बटे में दो, 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे में दो, s बराबर है 180 बटे में दो, कितना आ गया 90। लेकिन हमने जब इसका फॉर्मूला किया था, तिरोन का सूत्र किया था, तो उसमें बताया था कि s क्या है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप कितना था 180, तो एस कितना आएगा 180 बटे में दो 90, सीधा ही लिख सकते हो आप सीधा भी लिख सकते हो इसको, तो वो आपकी मर्जी, आप इसको सीधा लिखेंगे या किस तरह से करेंगे। अब हम क्या करते हैं एस माइनस ए निकाल लेते हैं, एस का मान 90, ए का मान 60, तो ये कितना आया 30। इसी तरह से एस माइनस बी भी 90 माइनस 60 ये भी 30,
और एस माइनस सी भी 90 माइनस 60, ये भी हमारे पास आ जाएगा 30। तो हम निकाल देते हैं कि त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिख देते हैं क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान एस है 90, एस माइनस ए 30, एस माइनस बी 30, एस माइनस सी 30। अब देखो हमने क्या किया, 90 के टुकड़े कर लिए 30 गुना में 3, और आगे 3 बार 30 है ही है, इससे और इससे 30 बार, इससे और इससे फिर 30 बार, और वर्गमूल 3 अंदर ही रहा, बीच में गुना का निशान लगाना है तो लगा दो, कितना हो जाएगा 3 3 9, पीछे 2 0 लग जाएंगे, साथ में वर्गमूल 3, ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। या फिर 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना है, वर्गमूल 3 बटे में 4 ए स्क्वायर। तो वर्गमूल 3 बटे में 4, ए का मान भुजा 60 गुना में 60, 2 पे काटा तो 30 आ गया, फिर 2 पे काटा तो 30 आ गया, 30 30 वर्गमूल 3, 30 30 वर्गमूल 3 वहीं पे पहुंच गए। वैसे तो हम 4 को भी काट सकते थे सीधा, तो जैसे मर्जी कर लो उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी 900 वर्गमूल 3 ही आ रहा है हमारे पास, यानी कि हमने जो हमारा आंसर है उसकी जांच भी कर ली। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पूरे ही चैप्टर में बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पूरे क्वेश्चन को सभी क्वेश्चंस को करते हुए बहुत मजा आएगा। दूसरी बात क्या है, एक सूत्र है उसी के बेस आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।